क्या है? ट्रक को बाद में बांध दूंगी। मिर्चा खाओगे? हाँ मिर्चा, मिर्चा नहीं ना, पानी के साथ लोगे कि सूखा? इसको पानी मत दीजिएगा, सिर्फ आलू डाल के ले लो। इस हाथ में पकड़ो ना, ठीक है? दिखा नहीं ना, अच्छी नहीं हूँ। रीज़न ये है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मेरे आँख से कंटिन्यू पानी आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद सर्दी की वजह से आँख जल रहा है और खुजली हो रहा है और पानी आ रहा है, बट ये कंटिन्यू एक सप्ताह से चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ आँख के पानी से और पेन से। तो फाइनली मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इसको इग्नोर करना हो सकता है आगे चल के मुझे दिक्कत है, इसलिए मैं अभी आई हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। दिखाती हूँ क्या बोलता है डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो ज़्यादा ऐसे टीवी वगैरह या फिर मोबाइल भी इतना नहीं यूज़ करती हूँ कि जिसकी वजह से आँख से पानी होने का कोई इशू हो, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं दिखा लेती हूँ, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगी। 7 दिन से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं आई हूँ अभी बाहर डॉक्टर के पास जाने के लिए। और बाहर निकलते ही बेटा को फुचका खाना था, तो मैंने भी 2-3 चीज खा लिया, तो वही रिएक्शन आपको अभी देखने को मिला। तो फिलहाल पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं वो क्या बोलता है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि आँख बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है और उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब पूरी लाइफ ख़राब। तो अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं, पहले डॉक्टर के पास देखते हैं क्या बोलते हैं वो। और इनको देखिए, इन्होंने क्या किया है, अपना शूज़ का लेस जो है खोल दिया है और बोल रहे हैं कि अब बांध दिए। और मैंने पहना हुआ है जीन्स और मुझे बैठने में बनेगा नहीं, तो मैंने बोला थोड़ी देर वेट करो, डैडी आते हैं तो उनसे लेस बंधवाना, इसलिए मुँह इनका बना हुआ है। अभी फुचका खा के मज़ा नहीं आया हाँ, तो अभी ये उदास है, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तब से मुझे ये खाने की क्रेविंग है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं बट ये मुझे अच्छा लगता है। तो फाइनली आज मुझे ये खाने को मिल रहा है, मुझे दिखा, मैंने बोला कि नहीं आज तो मैं इसे खाऊंगी, तो मैंने ले लिया। ये 10 रुपये का मिला है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है, और मैं इसे अभी खाने जा रही हूँ। मीठा डॉक्टर को दिखा दिया है, क्या बोला है उन्होंने, मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ और बताती हूँ। जिसका नाम मुझे नहीं पता, बस खाने में अच्छा लगता है। मैं घर वापस आ गई हूँ और बी ऑनेस्ट, मुझे अभी कैमरा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा फेस कैसा आ रहा है, मैं कैसे दिख रही हूँ, फुल आ भी रही हूँ कि नहीं, बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है मुझे। बट मैं ऐसे ही सूट कर रही हूँ। अभी मैंने आईज में दवा लगाया है, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मेरे सर में शायद डैंड्रफ हो गया है, इसकी वजह से मेरे आईज में इतना इचिंग हो रहा है। ये क्या लॉजिक हुआ यार, और सच्ची में 10-15 दिन से मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि डैंड्रफ की वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने दिखाना ही ज़रूरी समझा। उन्होंने देखते ही बोल दिया कि आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डैंड्रफ की शिकायत हो गई है, इसकी वजह से आपके आँख में ये सारी इचिंग, आँख से पानी होने आना हो रहा है। बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सीरियस है, तो उन्होंने थोड़ा सा इतना छोटा छोटा करके आँख में डालने वाला
चार पांच ऐसे छोटा छोटा लिक्विड टाइप है दवा दिया है, वही मैंने लगाया है। बहुत ज़्यादा पानी अभी निकल रहा था, मैंने पोछा है। और बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ कैमरा में नहीं दिख रहा है कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैंने आपको सोचा कि ऐसे ही दिखाती हूँ और बताती हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो लिक्विड ही होता है। और उन्होंने एक शैम्पू दिया है, मतलब बोला कि वो शैम्पू से मैं अपना हेयर वॉश करूं ताकि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, तो आँख का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, मेरे आँख में कोई इशू नहीं है। तब जाके मुझे सुकून मिला कि थैंक गॉड मेरे आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं इतना ज़्यादा डर रही थी कि सडनली क्या हो गया यार मेरे आँख में, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो अभी तो मैंने ये लगाया है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा है और कि मैंने एक क्लिप कैसा रिकॉर्ड किया है। तो मैं डायरेक्ट मिलूँगी शायद आपसे सुबह में, कुछ कह नहीं सकती, जैसा होता है आपको पता चल ही जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गई है और मैं मॉर्निंग में अपने लिए गर्म पानी एक कप लेती हूँ और उसमें आंवले का पाउडर मिक्स करके और इसे सिप सिप करके पीती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं तो इसे फ़िलहाल पिछले 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मैं आंवले का पानी पीने के आई थिंक आधे पौने घंटे के बाद चाय लेती हूँ, तुरंत चाय नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए चाय पीने के लिए मैं 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम गैप रखती हूँ। वो पर हुआ था जरूर रिकॉर्ड करो ब्लॉग के लिए। बाय द वे मैं आपको अपने आँख का अपडेट दे दूं, मैंने जो वो जो लिक्विड कल आँख में डाला था उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ अभी फील हो रहा है। नहीं तो इतनी इचिंग होती थी कि मैं सुबह 3 रात ऐसा मसलते रहती थी और उसकी वजह से ऐसा लगता था कि डार्क सर्कल्स भी बहुत हो गए हैं। और मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगाया है, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं लगाया, बस होंठ में लिप बाम लगाया है, कुछ नहीं लगाया है। और अभी देखिए थोड़ा डार्क सर्कल जो है वो ठीक लग रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा हो गया था इसकी वजह से, 3 रात मसलने की वजह से इचिंग हो रहा था कंटिन्यू। लेकिन वो लिक्विड जो दिया था डॉक्टर ने वो लगाने के बाद काफ़ी रिलीफ हुआ है। वो बोली कि अभी ये मेरा आँख का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इससे यार। और अभी मैं अपना चाय इंजॉय करूँगी और न्यूज़पेपर मेरे सामने है ये पढ़ूँगी। पीछे बेटा यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहा है, साथ में किंडर जॉय लिया हुआ है, कल बाहर गया था तो उसे बहुत किंडर जॉय मुझे तो समझ नहीं आता है क्या है उसमें, लेकिन बहुत परेशान कर रहा था तो उसके लिए लिया। तो अभी वो हाथ से छोड़ेगा भी नहीं, उसको लेके ही बैठा हुआ है कि कोई ले ना ले। तो बोलते ना ट्रस्ट नाम का चीज़ नहीं है। खैर दिन की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सामने ऐसे बालकनी से, तो मैं ये न्यूज़पेपर अपना पढ़ूंगी और चाय फिनिश करूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है कैसे होता है। तो बने रहिए और आज ऐसे ही घर का ब्लॉग बनाते हैं कुछ। अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने आज सिंपल एकदम आलू मटर या भुजिया बनाने का सोचा है, कभी कभी सिंपल खाना भी खाने के लिए आज हम बनाएंगे आलू मटर की भुजिया और सिंपल ये है ना। और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है, एक साथ दो काम हो जाएगा उसको मुझे खाना नहीं आ रहा। फटाफट से नाश्ता बना लिया गया, भुजिया मेरा बन गया ऑलमोस्ट बन ही है। पता नहीं कैमरा में क्यों नहीं अच्छा कलर आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं तो ऐसे बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। तो हम भुजिया हटाते हैं, चलते हैं रोटी की तरफ।
खाता बन गया। और चलिए दे देते हैं, अभी बस जल्दी होके जाना है। रोटी भुजिया और अचार, आज दही नहीं है। नॉर्मली गर्मियों में उन्हें दही ज़रूर चाहिए, बट आज नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। और क्या, चलिए दे दिए जाए, कहाँ गए। मैंने ब्रेकफास्ट में अपने लिए अनारस लिया था, मुझे फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे इंजॉय किया। हाय एवरीवन, मैं डायरेक्ट आपसे शाम में मिल रही हूँ। पूरे दिन में बिजी थी, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, एक्चुअली मैं भूल भी गई थी और आइस का प्रॉब्लम आपको पता ही है। लेकिन अभी मेरा आँख बहुत ही ज़्यादा ठीक है और जब सारा काम हो गया तो आई थिंक मैं बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं जा रही हूँ, ऐसे ही हैंग आउट करने नहीं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सब काम तो हो चुका है तो क्यों ना निकलते हैं थोड़ा ऐसे ही घूमने के लिए। तो बस मैंने ये वाला टॉप, अब मेरा पहले वाला ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता होगा मैंने यहाँ भी विशाल मेगा मार्ट से लिया था। इसमें का दो पेयर मैंने लिया था, तो एक पेयर ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है, ऑफ वाइट और कुछ ग्रे में था, और एक ये ग्रीन में है। ये बहुत ही प्रीटी है और मुझे अभी जीन्स पहनना बाकी है तो मैं वो पहनूंगी। बेटा गया है थोड़ा फेस वॉश करने, उसके बाद उसे रेडी करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। देखते हैं कहाँ जाते हैं, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमने का मन कर रहा था। तो कभी कभी निकलना चाहिए खुद की खुशी के लिए भी, तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे, बेटा आए उसको रेडी कर दें फिर निकलते हैं। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, आज भी मेरा ठीक है। मैं रेडी हो गई हूँ और बाहर इतना तेज धूप है ना कि पूछिए मत, जितना ही मतलब ठंडी ने हालत खराब की थी अभी गर्मी भी कुछ कम नहीं है, अभी से गर्मी पड़ने लगी है। एक सेकंड में ताला लॉक कर लूँ। रेडी, मैंने पहना है जींस, ये वाला टॉप और ये वाला शूज गंदा हो गया तो प्लीज इग्नोर कीजिए, चलते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, धूप देख रहे हैं, बाप रे बाप हालत ख़राब हो चुकी है अभी से, गर्मी से हालत ख़राब है, पता नहीं आगे क्या ही होने वाला है। चल के चलिए निकलते हैं। मेरा बेटा मुझसे पहले ही निकल लिया, वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहता है जाने के लिए, तो वो पहले ही जा रहा है। और मेरा फेस एक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने फेस में कुछ भी नहीं किया है, बस कॉम्पैक्ट लगाया है और ब्लशर लगाया है और बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। इसका एक राज है, मैं बताती हूँ या तो इस ब्लॉग में फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी क्यों, ठीक है। फिलहाल चलते हैं। अभी हम लोग खाएंगे मोमोज, पता नहीं यहाँ का सॉस कैसा है, मैं पहली बार यहाँ ट्राई कर रही हूँ। मुझे अनजान जगह से कुछ का मोमोज खाना उतना पसंद नहीं है क्योंकि चटनी या फिर पानी मसाला सब जगह का सेम नहीं होता है, इसलिए तो ट्राई करते हैं कैसा है क्या है, खाते हैं। सूरज देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, अस्त हो रहा है। और अभी हम लोग आए हुए हैं बुद्धा स्मृति पार्क, हम लोग आज यहाँ पे चिल आउट करेंगे, बैठेंगे थोड़ा सा गपशप करेंगे। तो बस हम लोग यहाँ आ गए, आ गए हैं बुद्धा स्मृति पार्क, आज हम लोग यहाँ चिल आउट करेंगे। और मैंने लंच वंच नहीं किया था, नाश्ते में मैंने अनारस खाया था तो मुझे यहाँ पे आए तो मोमोज दिख गया, तो मुझे जोरों की भूख भी लग गई। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है बुद्धा स्मृति पार्क इंग्लिश और हिंदी में। तो बस बेटे ने गन्ने का जूस पिया, मैंने उस बार एक बार उसे गन्ने का जूस क्या पिला दिया, उसके लिए तो फेवरेट वो जूस हो गया है, उसको जब भी बाहर निकलता है उसे गन्ने का जूस चाहिए होता है, तो उसने जूस पिया, हम लोगों ने मोमोज खाया। और अब टिकट कटवा के हम लोग चलेंगे अंदर और थोड़ी देर बैठेंगे। और क्या, टिकट उसका दो टिकट हम लोगों ने ले लिया, चलते हैं ये एंट्री गेट की तरफ, टिकट देते हैं और घुसते हैं अंदर।
से दिख रहा है। और यहाँ पे सब लोग अभी बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे होगा लेज़र शो शाम को, जो कि हर रात को आई थिंक होता है, हर शाम को होता है। और ये बुद्ध भगवान, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ बैठ के। अभी हम लोग बैठेंगे और यहाँ पे लेज़र शो का आनंद लेंगे। लोगों ने लेज़र शो देख लिया है और अभी खाने वाले हैं आइसक्रीम। बेटा खा रहा है कप वाला, गिर जाएगा खाओ। और अभी हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। बहुत अच्छा सो रहा, बहुत सुकून मिला यहाँ के, माइंड एकदम फ्रेश हो गया। तो अब चलते हैं घर बिना किसी देरी के। और अभी को जाना है दूसरी जगह पार्टी में, तो वो वहाँ निकलेंगे और हम लोग जाएंगे घर। तो बस ऐसा रहा कुछ काम, बहुत अच्छा रहा। तो पूरा दिन कैसा बीता मैंने आपको दिखा ही दिया। तो अब जाते हैं घर और क्या खाना बनेगा, डिनर होगा और सोएंगे और क्या करेंगे। तो मैं अभी फ्रीजर में से निकला है तो बहुत ज़्यादा टाइट है। वाह अच्छा है। अभी ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको थोड़ा कूल डाउन होने में टाइम लगने वाला है। तो मैं इसको एंजॉय करते हुए घर निकलूँगी। और लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और मैं भी आज ठीक ही लग रही थी, जबकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया, तेल लगाया है, बट फिर भी मैं ठीक लग रही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।